You heard it from Team India's chief selector himself, the methods used by unfit players to keep their place in the team. Chetan Sharma's revelations on Zee Media's hidden camera do not end here. Chetan Sharma claims he was aware of what was going on, but yet spills the beans. सामने ये डर होगा ना आज भी कि ऐसा नहीं कर सकते एक परसेंट का सर क्योंकि अगर आपने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन हम ले लेते हैं और इस तरीके की चीजें रूमर्स अभी बहुत फैल भी जाती हैं एकदम सबके हाथ में एवरीबॉडी खा रही है 99.9% बट लड़का सीधा पहले एमसीए रिपोर्ट करता है एक आधा परसेंट जिसको लगता है कि यार ऐसा हो सकता है करता भी होगा हमें नहीं पता वी कैन नॉट से दैट कि हाँ करता है और ये भी नहीं कह सकते नहीं करता ये बोल हमारे तक बात नहीं आती वो कितनी बातें आएंगी यार कितने लड़के 2500 लड़का खेल रहा है हमारे When the issue of unfit players came up, the conversation turned to star bowler Jasprit Bumrah. So what's the story behind his lengthy break? आया फिट था वो अब वो फिट हुआ हमने ये प्लान किया सिर्फ दो मैच बचे थे हमारे पास सीधा वर्ल्ड कप जा रही थी मेरा पॉइंट ये था कि हम तीसरा मैच खिलाते हैं उसको बट राहुल द्रविड़ और रोहित चाहते थे हम दूसरा मैच पाली खिलाते हैं उसके बाद हम तीसरे में इसको रख देते हैं इसको जल्दी भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया जो हमारे प्रैक्टिस मैच है वहां हम इसको तीन चार में से दो खिलाते ठीक है मैंने बुमराह से बात की बुमराह तो पहला खेलना चाह रहा था क्या सर मैं तो पहला खेलना चाह Was Bumrah really fit to return ahead of the T20 World Cup? मैंने बुमराह से बात की बुमराह तो पहला खेलना चाह रहा था क्या सर मैं तो पहला खेलना चाह रहा नहीं पहला नहीं खेला दूसरा खेला अब जब वो दूसरा खेला तो शाम को ही वो लाइक अनकम्फर्टेबल तो मेरे पास सोना है कि सर थोड़ा हम स्कैन के लिए सेकेंड मैच दे से नो हिज क्लियर सेकेंड मैच खिलाएंगे अब मैनेजमेंट फंस गई सेलेक्टर फंस गए कि यार ये अगर थोड़ा कंप्लेन कर रहा है अगर हम इसको ऑस्ट्रेलिया उड़ा दिया हमने और वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया टीम तो अनाउंस हो जाती है उसको चेंज नहीं कर सकते फिर हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ता उसका इसको देखो तू तेरा कैसे गया नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक दूसरा मैच India missed Bumrah at the T20 World Cup in Australia last year. He still hasn't played for India since.